Minash rajeem bismillahir rahmanir rahim hello uh, we are uh, to talk about uh, self management core skills and uh, like its uh, important component organizing and uh, we are very conscious about to know what about the organizing abilities are and uh, it's important to know about the procrastination it means दैट uh, sometime we feel that we do it later on, कुछ काम हम छोड़ देते हैं कि ये या मुश्किल है या हम इसको बाद में करेंगे और वो बाद में जब हम उसको करना चाहते होते हैं तो हम उसको या तो भूल जाते हैं या उसको इफेक्टिवली नहीं कर सकते तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू वी टू अवॉइड कि ये जो तो तखीरी अमल है इससे हमें अवॉइड करना चाहिए हर काम जो छोटे से छोटा टास्क है उसको अपने वक्त पर और उस दौरानिए में मुकम्मल करने की हम कोशिश करें इसीलिए तो हम टास्क को स्मार्ट टास्क में डिवाइड कर देते हैं तकसीम कर देते हैं और उसकी ट्रेनिंग करते हैं कि हर टास्क अपने वक्त पर अपने मुतन वक्त पर पाया तकमील पहुँचे क्योंकि वो अगले टास्क के लिए सपोर्टिव होता है और ये कोई ऐसा अच्छा जेस्चर नहीं है कि अगर हम इसको आ, ये देखते हैं कि विल डू इट लेटर ओके लेकिन आ, अगर ये हमारी हैबिट में शामिल हो गया तो हम हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ लेफ्ट ओवर कर देते कर देते हैं और फिर हम उस पर अमल दरामद का नहीं कर पाते और इसमें हम ये देखते हैं कि इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन और हमारा वर्कलोड जो है ना वो भी अप पोता चला जाता है और हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते कि अपने वर्कलोड को भी हम मैनेज करें हम अपने लेफ़्ट ओवर टास्क को भी मैनेज करें और फिर ये है कि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है ना वो डेवलप हो जाती है इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करें कि कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें इस टास्क के लिए चाहिए उसमें हम बाद ये करते हैं कि एक टास्क कंप्लीट करने के लिए हम बाद उसको रिपीट कर देते हैं और रिपीट करने में अननेसेसरीली वो रिपीट कर रहे होते हैं और अननेसेसरी रिपीट करेंगे तो टाइम भी खर्च होगा और उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी इस हैबिट से हमें निकलना चाहिए कि हम रीडूंग को छोड़ते हुए हम अपने उस टास्क को विद फुल कंसंट्रेशन कंप्लीट करें और फिर यह है कि जो टास्क हम करें उसको उसका बैकअप हम रखने के आदि हो या उसको सेव कर लें या फिर यह है कि उसका बैकअप हम आ, साथ मौजूद रखें कि अगर कोई एमरजेंसी में हमें उसको देखना पड़े वी टू लुक इन टू द मैटर वेपन ऑलरेडी वी हैव डन तो हम उसको किसी भी वक्त देख सकें दैट विल बी हेल्पफुल टू मैनेज अवर स्किल्स इसी तरह बाज़ात यह है कि हम अपनी कोई टास्क जो है ना उनको मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स फोल्डर्स के नाम से हम उसको सेव करें आ, सेव करें उसको अगर फिज़िकली रख रहे हैं तो उसमें उसको भी कंपोनेंट के तौर पे जब हमें उसको दोबारा देखना पड़े तो हमें दिक्कत ना हो कि हम फ़ौर उस नाम से उस टैग से आ, उस फाइल को देखें और उसके अंदर अपनी सारी डिटेल जो है वो हम अपना मेनटेन कर सकते हैं और इसी तरह बात हम डेट्स के अतबार से टास्क मैनेज करते हैं बाद हम सब्जेक्ट के अतबार से टास्क को मैनेज करते हैं वट वाज द सब्जेक्ट वट वाज द टाइटल और उससे हमें आसानी हो जाती है बादत हम जब चीज़ लोकेट कर रहे होते हैं हमारा बहुत सारा वक्त इसी बात में सर्फ हो जाता है कि राधर मैंने उसको किसी नाम से सेव से किया था पहले नाम से सेव से किया था या दरमियन वाले नाम से सेव से किया था या फिर उसमें मुख्तलि सूरतें होती हैं तो ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब यह है कि हम हमेशा अपने कुछ स्पेट सेट पैटर्न जो है ना वो हम कर लें कि मैं हमेशा डेट के साथ इन चीज़ों को सेव करूं या डेट भी का था हम ऐसे करते हैं कि मंथ के एतबार से या वन टू थ्री डेट वाइज हम उसको आ, आ, सेव करते हैं तो ये हर फर्द की एक हैबिट होती है कि मैंने अपने काम को किस तरह से सेव करना है और इस तरह से हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें यह है कि मुख्तलफ़ टास्क अगर हैं तो उन टास्क के अतबार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं उसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास कुछ नोट्स इम्पॉर्टेंट नोट्स रहने चाहिए जो काम हम करें उसको हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लें और हमारे पास उसी के अतबार से मुख्तलिफ टास्क की डिवीजन मौजूद हो कि ये आ, टास्क है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये मेरे पर्सनल मैटर से रिलेटेड है और ये दूसरे लोगों से तल्लुत को बेहतर बनाने के लिए उन से रिलेटेड है तो इस तरह से हम मल्टी की तरफ अगर आ जाएं तो हमारे लिए आसान होगा कि हम पहले कौन से काम करें यानी कंप्लीशन ऑफ द टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट द रिलेशन ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट कि वो कम्पोनेंट हमारी पर्सनल लाइफ से है वो कम्पोनेट हमारी प्रोफेशनल लाइफ से है या फिर यह है कि वो उसका ओवरऑल टास्क के साथ रिलेशनशिप है इसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी हम कर रहे होते हैं और नेसेसरी चीज़ें बाद स्किप हो जाती हैं मिस हो जाती हैं तो उसका एक ओवरव्यू हमारे पास रहना चाहिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड वाट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड रादर वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द टारगेट वी हैव ऑलरेडी सेट एंड विल सी के हमें इफेक्टिव प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए इफ़ेक्टिव प्लानिंग क्या होगी यानी सबसे पहले यह है कि जो काम हमने पहले करने हैं और उनकी अहमियत पहले है और उसकी अफादियत और हमारी प्रोडक्टिविटी पहले आती है तो हम उसी तरह हम प्लान करें कि हमें वो पहले कर लेने चाहिए और उन कामों के मुतालिक अगर कोई नेसेसरी डाटा कोई नेसेसरी असेसरीज की रिक्वायरमेंट है तो वो हम पहले उसको मेंटेन करें और इसी तरह कंप्लीशन ऑफ़ द टास्क की बजाय कि हम उस काम को बस जल्दी से वक्त को मीट करने के लिए हम उसको मुकम्मल करें इसकी बजाय बेहतर यह है कि हम क्वालिटी का ख्याल रखें कि क्वालिटी इज़ द टॉप प्रायोरिटी फॉर द सेल्फ़ मैनेजमेंट तो टाइम मैनेज करने में अगर एक दफ़ा वो गलती होती भी है तो उस गलती से हमें सीखना चाहिए बजाय इसके कि उस गलती को हम अपने पछतावे का हिस्सा बना दें और हम अपने स्ट्रेस में इजाफा करें तो इफ वी लर्न वाई इट वॉज डिलेट वाई इट वॉज नॉट कम्प्लीटेड तो फिर हम उससे सीख सकेंगे और दैट विल बिकम पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी वेरी वेल थैंक यू वेरी मच